हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल कबाब, भी हरे भरे वेजिटेबल कबाब। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए, हरे भरे कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पत्ते गोभी। पत्ते गोभी को मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है, बहुत ही बारीक, जितना बारीक हो सके उतना आप काट लीजिए। हाँ, कद्दूकस नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने पत्ते गोभी को इस तरीके से काट लिया है। आपके पास जो भी सब्जी है उस सब्जी के कबाब आप बना सकते हैं। वेजिटेबल कबाब में तो कोई भी सब्जी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पत्ते गोभी को मैंने अच्छे से बारीक से काट लिया है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं 2 बड़े साइज के बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी मैंने बहुत ही बारीक काटा है, तो आप खुद भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। सारी सब्जियों को हमने चॉप किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास जो भी सब्जी था हम उसी से बना रहे हैं। तो आपको बस इतना बता रहे हैं कि आपके पास जो भी सब्जी पड़ी हो उससे वेजिटेबल कबाब बना सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीका है ये जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम काट लिया है बारीक, यानी कि शिमला मिर्च। आपके पास गोभी, आलू, टमाटर जो भी पड़ा है सभी को काट के, मटर जो भी है डाल सकते हैं। और लास्ट में हमने डाला फ्रेंड्स 2 बड़े साइज के आलू को मोटे ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आलू जल्दी से सॉफ्ट नहीं होता है, जल्दी नहीं गलता है, तो इसलिए मैंने उसे ग्रेट किया हुआ है। तो सारी सब्जियों को धो के मैंने काटा है और यहाँ पे मैं 2 इंच के करीब अदरक काट के डाल रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। हरी मिर्च तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास धनिया की पत्ती है तो आप उसे भी जरूर डालें। तो हरी मिर्च हमने यहाँ डाल दिया है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा वो आप कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, तीखा देख के ही ऐड करें, कम स्पाइसी खाते हैं तो स्किप करें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब भुना हुआ धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। ये मैं कुछ अलग टेस्ट वाला बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने क्रश किया हुआ अजवाइन लिया है। अजवाइन पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अजवाइन तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर डालें। साबुत जीरा भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया इसके अंदर। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूंगी सब्जियों के अंदर। जो भी मैंने मसाले डाले हैं फ्रेंड्स, इसका आप खास कर ध्यान रखें कि रोस्टेड मसाले को आप ऐड करें। जीरा रोस्ट करके, धनिया रोस्ट करके, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है। और थोड़ा इसे स्पाइसी बनाएंगे तभी मज़ा आएगा आपको खाने में, और भी मीठी चटनी, मीठी चटनी के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, जो भी नमी है सब्जी के अंदर वो हम उसे ड्राई करेंगे। यहाँ पे पहले मैं 1 पैकेट मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। मैगी मसाला से बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट आने वाला है। तो लास्ट में मैं 1 पैकेट मैगी मसाला और 1 कप मैंने चावल का आटा लिया। बस मैं चावल के आटे से ही रेसिपी को बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सभी को हमने एक में मिक्स कर देना है और जितने भी इसमें मतलब जूस हैं, मॉइस्चर हैं, चावल के आटा जाते ही एकदम पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे, एकदम थिक हो जाएंगे और अच्छी वाली बाइंड आ जाएगी इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं। अब इसे हाथों से थोड़ा सा जोर लगा के मसलना है ताकि सारी सब्जियाँ आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाएं। अब अदरवाइज हमें किसी भी चीज़ की, बेसन वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो सिर्फ 1 कप चावल के आटे से बहुत ही अच्छी वेजिटेबल कबाब बनके तैयार होगा। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर ट्राई करें। मॉर्निंग के टाइम पे जल्दी बन जाता है, टाइम की भी बचत होगी और आपको ज़्यादा आलस भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे हम थोड़े थोड़े से लेंगे और हाथों में इस तरह से थोड़ा सा बॉल जैसा बनाएंगे, गोल सा। अब उसे थोड़ा चपटा करेंगे और एक कबाब का शेप देंगे।
थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमने चावल के आटे से इसे बनाया है, तो थोड़ा थोड़ा तो क्रैक होगा ही। तो क्रैक होगा तो आपका फिंगर किस काम आएगा? फिंगर से इसकी सेटिंग करेंगे, बहुत अच्छी वाली सेटिंग करेंगे, बिल्कुल कबाब के जैसा इसका शेप बना लेंगे। तो जितनी बारीक आप सब्जियों की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा कबाब बन के तैयार होगा, बहुत ही क्लीन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं दूसरा भी उसी तरीके से तैयार कर रही हूँ जैसे हमने फर्स्ट वाले को किया था। तो फटाफट से सारे कबाब को हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये छोटी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, कम ज़्यादा कुछ होगा तो बताइएगा, अच्छा लगे तो भी बताइएगा, नहीं लगे तो भी बताइएगा, मैं तो हर तरह से आपके कमेंट को एक्सेप्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पे हमने देखिए 6 वेजिटेबल कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। गैस पे पहले से पैन रख दिया है जिसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, आधा कप के करीब, क्योंकि मुझे इसे सेलो फ्राई करना है। आप इस कबाब को डीप फ्राई नहीं कर सकते, ऑयल में जाने के बाद ये टूटने लगेगा, तो इस वजह से मैं इसे सेलो फ्राई करूँगी। सेलो फ्राई करने का भी तरीका है फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम, पहले तेल को गर्म कर लीजिए, फिर गैस के फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। मीडियम करने के बाद कबाब को आप पैन में रखिए, उसके बाद एकदम लो फ्लेम कर दीजिए ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो पाए। तो इस वजह से हमें गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है और इसे बिना ढके रहने देना है। तो मेरी सब्जियां धीरे धीरे से कुक हो रही हैं, तो 8 से 10 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे। लो फ्लेम पे जो कबाब का कलर आता है तो पूछिए ही मत, इतना जबरदस्त वाला कलर आता है, ना जलता है ना कच्चा होता है, बहुत ही अच्छे वाला कलर, कलर देख के आप पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि कबाब बहुत ही टेस्टी बना है। फटाफट से 8 से 9 मिनट दूसरे साइड भी हम इसे सेक लेंगे, दोनों साइड अच्छे से एक जैसा सिक चुका है। अब फटाफट से इसे हमें करना है डिश आउट, एक प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हरा भरा मेरा ऐसा वेजिटेबल कबाब बना है, मिनटों में बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, तो ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो इसे हमने निकाल लिया है, सेकेंड बैच को हम इसी तरीके से रखेंगे जैसे हमने फर्स्ट को रखा था। तो क्यों फ्रेंड्स इसे सर्व किया जाए, फटाफट से हम जा रहे हैं इसे सर्व करने। हम इसे मीठे अचार के साथ खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है, आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, टोमेटो केचप, किसान केचप, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, इमली की चटनी मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे कबाब रेडी हैं। तो हमारी इस छोटी सी रेसिपी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। इसी तरह से हम आपसे मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।